हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर फोस्टस के एक्ट वन और सीन फोर के बारे में। इससे पहले हम सीन वन, सीन टू और सीन थ्री को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीन फोर। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, एक्ट वन, सीन वन, टू और थ्री की। इसमें हम बात करेंगे एक्ट वन सीन फोर और एक्ट टू सीन वन की। तो फ्रेंड, जहाँ तक हमने बात की थी, जो एक्ट वन सीन थ्री का लास्ट सीन जो था वो ये था कि मतलब जो डॉक्टर फोस्टस है उसने पूरा मन बना लिया अपना के मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन की स्टडी करने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेफिस्टोफिल्स के साथ कि वो चाहता है कि मेफिस्टोफिल्स उसको सर्व करे, और मेफिस्टोफिल्स सर्व करेगा तो लूसीफर की परमिशन से करेगा। तो अब उसने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब उसको मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन की ही स्टडी करनी है, और वो सपने देखने लगा है। जब मेफिस्टोफिल्स जाता है लूसीफर के पास तो वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि ही हैज़ बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। वो अब अपने आप को सबसे पावरफुल इमेजिन कर रहा है, और वो ऐसे ऐसे कार्य करने की सोच रहा है जो एक आम इंसान, एक कॉमन मैन नहीं कर सकता। तो अब उससे आगे बात करते हैं हम सीन फोर की। अब यहाँ थोड़ा क्रिस्टोफर मार्लो ने कॉमेडी मिक्स करने की कोशिश की है एक्ट वन सीन फोर में। वैगनर कौन है? वैगनर जो है वो डॉक्टर फोस्टस का सर्वेंट है। अब सीन फोर में क्या होता है, वैगनर एंगेजेस इन सम बेंटर विद ए क्लाउन और पीजेंट बाय कॉलिंग हिम बॉय। अब ये जो बेंटर होता है, ये किसी के ऊपर फ्रेंडली कमेंट करना, किसी को चिढ़ाना या फ्रेंडली जोक पास करना होता है। वैगनर एंगेजेस इन सम बेंटर विद ए क्लाउन। अब एक किसी जो डॉक्टर फोस्टस का सर्वेंट है वो एक क्लाउन के साथ को चिढ़ा रहा है, उसके ऊपर फ्रेंडली कमेंट पास कर रहा है, और पीजेंट बाय कॉलिंग हिम बॉय, और उसको वो बॉय बुला रहा है, लड़का, इंसल्टेड। इससे क्लाउन क्या करता है, इंसल्ट महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है क्लाउन अपने आप को। एंड ही आस्क्स हाउ मेनी बॉयज ही हैज सीन विद बियर्ड्स लाइक हिज। अब वो वैगनर से पूछता है कि उसने कितने लड़कों को देखा है ऐसी दाढ़ी के साथ। क्लाउन कहता है कि तुमने कितने लड़कों को ऐसी मेरी तरह दाढ़ी के साथ देखा है। वैगनर देन एसर्ट्स दैट द फेलो लुक्स अनएम्प्लॉयड। अब वैगनर फिर चिढ़ाता है उसको। वैगनर कहता है कि वो एक अनएम्प्लॉयड की तरह दिखता है, एंड हंगरी इनफ टू सेल हिज सोल टू द डेविल फॉर सम मीट टू ईट। अब वैगनर फिर से चिढ़ाता है उसको। वैगनर क्या कहता है कि वो एक बेरोजगार और भूखे आदमी की तरह दिखता है जो अपनी सोल को सिर्फ और सिर्फ खाने के मीट के लिए ही भी बेच सकता है। फिर से चिढ़ा रहा है उसको कि वो एक ऐसे बेरोजगार और भूखे आदमी की तरह दिख रहा है जो अपने सोल है, जो अपनी खुद की सोल है उसकी, उसको सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, थोड़े मीट के लिए भी बेच सकता है। ही ट्राइज टू रिक्रूट हिम टू बिकम हिज सर्वेंट। अब वैगनर क्या ट्राई करता है, वैगनर कोशिश करता है उसको अपना सर्वेंट बनाने की, बट द क्लाउन सीम्स अनविलिंग। लेकिन जो क्लाउन है उसको इसमें कोई इच्छा नहीं है उसकी, ऐसी वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में, तो वो मना कर देता है। सो वैगनर थ्रेटन्स हिम विद मैजिक। अब देखो आ गई ना वही बात, जो वैगनर का मास्टर है डॉक्टर फोस्टस, वो मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन की स्टडी करने चल पड़ा है। अब उसका असर वैगनर पे भी देखने को मिल रहा है। वैगनर अब जब क्लाउन उसकी बात नहीं मानता, सर्वेंट बनने की बात नहीं मानता, तो वैगनर क्या करता है, उसको मैजिक के द्वारा डराने की कोशिश करता है। व्हेन ही दिस फेल्स, और जब वो फेल हो जाता है इस काम में, ही फोर्सेस मनी ऑन द फेलो दैट द मैन ट्राइज टू रिटर्न। फिर वो पैसे की सहायता लेता है। इन फ्रस्ट्रेशन वैगनर कॉल्स अप टू डेविल्स। अब पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है वैगनर, क्योंकि जो क्लाउन है वो मान ही नहीं रहा। एंड ही कॉल्स अप टू डेविल्स, और वो दो शैतानों को बुला लेता है, बेलियल एंड बेल्चल।
बेल्सर, ये दोनों उनके नाम है शैतानों के, डेविल्स के, हु चेज द टेरिफाइड क्लाउन, और वो क्या करते हैं, वो पीछा करते हैं उस क्लाउन का। आफ्टर ए फ्यू मिनट मोमेंट्स वैगनर सेंड्स द डेविल्स अवे, कुछ पल बाद वैगनर जो है वो उन डेविल्स को वापस भेज देता है, दूर भेज देता है। नाउ द क्लाउन, अब जो वो क्लाउन है, ही इज इम्प्रेस्ड बाई वैगनर्स डेमोन्स्ट्रेशन, वैगनर ने जो उसको प्रूफ दिया है, उसको उसको प्रदर्शित किया है डेविल्स को उसके सामने, तो क्लाउन उससे इम्प्रेस हो गया है। एंड ही कंसेंट्स टू सर्व वैगनर इफ़ ही विल टीच हिम टू समन डेविल्स टू एंड अदर फीट्स ऑफ मैजिक। अब वो क्या कहता है क्लाउन, वो सहमति कर लेता है, वो खुश हो जाता है, वो राजी हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि हाँ, वो सहमति कर लिए उसने कि वो उसका सर्वेंट बन जाएगा, सर्व कर देगा वो वैगनर को। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, उसको उस वैगनर को ये सिखाना होगा कि जादू से डेविल्स को कैसे बुलाया जाता है, और जो मैजिक के अलग और डिफरेंट काम होते हैं वो सब उसको सिखाने होंगे। तो ये थोड़ा कॉमिक मिक्स किया था डॉक्टर फोस्टस ने उस सीन में। अब हम बात करेंगे एक्ट टू और सीन वन की। अब फिर से वही आ जाओ, एक्ट वन और सीन थ्री पे आ जाओ एक बार, जो लास्ट का सीन था उसका। लास्ट का जो सीन ये था कि जो डॉक्टर फोस्टस है वो इमेजिन कर रहा है अपने आप को, दैट ही हैज़ बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही कैन डू एनीथिंग। सो फिर वो फोस्टस वेट्स इन हिज स्टडी फॉर मेफिस्टोफेल्स रिटर्न। अब वहाँ बैठा अपने स्टडी रूम में फोस्टस किसका वेट कर रहा है, वो मेफिस्टोफेल्स के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज ट्रबल्ड बाई डाउट्स अबाउट द चॉइस ही हैज़ मेड, और उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो संदेह चल रहे हैं, जो शक है उसके मन में, वो है कि जो तुमने रास्ता चुना ये मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन का, ये सही है कि गलत है। ऑन द वन हैंड ही नोज ही विल बी डैम्ड फॉर डेलविंग इन टू मैजिक, एक तरफ तो उसको पता है कि उसको साबित कर दिया जाएगा, क्यों, फॉर डेलविंग इन टू मैजिक, इस मैजिक की इस कला में, इस जादू की इस कला में जो वो अंदर जा रहा है, उसके लिए उसको साबित किया जाएगा, उसकी सज़ा मिलेगी इसको। ऑन द अदर, यहाँ ऑन आएगा, ऑन द अदर इट मे बी टू लेट टू टर्न टू गॉड अगेन, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि शायद वो ज़्यादा लेट हो गया है भगवान की तरफ वापस जाने के लिए। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट गॉड कुड लव हिम, और उसे ये असंभव प्रतीत होता है कि भगवान अब उसे प्यार करेगा, वापस उसको बुला लेगा। एब्रप्टली ही रियलाइजेज ही वुड रादर फुलफिल हिज ओन एम्बिशियस डिजायर्स एनीवे, लेकिन फिर से उसका मन बदल जाता है, उसके जो एम्बिशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, हाई एम्बिशंस हैं उसकी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, ही रियलाइजेज ही वुड रादर फुलफिल हिज ओन एम्बिशियस डिजायर्स एनीवे, लेकिन फिर तभी वो क्या सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये डिज़ायर हैं, हाई डिज़ायर्स जो हैं, एम्बिशियस डिज़ायर्स जो हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो इनको ही पूरा करेगा। सो ही मे एज वेल कंटिन्यू सर्विंग बिलजेबब, और वो अपना फिर से मन बना लेता है कि वो अब बिलजेबब को ही सर्व करेगा। द गुड एंजिल एंड इविल एंजिल अपियर वंस मोर टू आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट रिपेंटेंस, अब जो गुड एंजिल और इविल एंजिल हैं, जो और कुछ नहीं, इसकी ही गुड एंजिल जो है, इसकी वो कंसाइंस की आवाज़ है जो इसको बुरा करने से रोक रही है, जबकि ईविल एंजिल जो है वो इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस हाई एम्बिशंस के इस वर्ल्ड में धक्का दे रही है, जबकि गुड एंजिल जो है उस इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने से, और मतलब इसको इस हाई एम्बिशंस वाले रास्ते पर, स्टडी ऑफ मैजिशियन वाले रास्ते पर जाने से रोक रही है, वो फिर से अपीयर होते हैं द गुड एंजिल एंड ईविल एंजिल। और वो क्या झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा करते हैं फॉर एंड अगेंस्ट रिपेंटेंस, कि उसे पछतावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुड एंजिल कह रही है कि उसको पछतावा करना चाहिए, जबकि ईविल एंजिल इज अगेंस्ट रिपेंटेंस। द गुड एंजिल एसर्ट्स इट इज़ नॉट टू लेट फॉर फोस्टस टू रिनाउंस मैजिक, अब जो गुड एंजिल है वो क्या दावा करती है,
वो कहती है कि इट इज़ नॉट टू लेट फॉर फोस्टस टू रिनाउंस मैजिक, कि ये फोस्टस के कभी ज़्यादा देर नहीं हुई है मैजिक को, वो त्याग सकता है, छोड़ सकता है इस फील्ड को, रिपेंट एंड अटेन हेवन, वो पछतावा कर सकता है और स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। द इविल एंजिल आर्ग्यूज दैट इट इज़ एन इल्यूजन। इविल एंजिल क्या कहती है कि ये सब एक भ्रम है, नॉट टू बी ट्रस्टेड एंड इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, और तुम्हें इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये एक भ्रम है। ही आर्ग्यूज फोस्टस टू कीप इन माइंड द ऑनर एंड वेल्थ ही विल गेन थ्रू हिज यूज ऑफ मैजिक। अब इविल एंजिल को डॉक्टर फोस्टस की कमजोरी पता है, वो उसको फिर से उसी वर्ल्ड में लेके जाना चाह रहा है, तो वो क्या कहती है कि उसको अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि जो ओनर और वेल्थ वो गेन करेगा ना इस मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन के थ्रू, इस मैजिक की शक्ति के थ्रू, जो ओनर और वेल्थ वो गेन करेगा वो वैसे नहीं प्राप्त कर सकता वो कैसे भी। अब द एंजल्स डिपार्ट, एंजल्स चले जाते हैं वहाँ से, एंड फोस्टस रिजोल्व टू कंटिन्यू हिज परसूट्स, और फोस्टस ने फिर से अपना मन बना लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है टू कंटिन्यू हिज परसूट्स, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का, बिलीविंग दैट नो गॉड कैन हर्ट हिम एज लॉन्ग एज मेफिस्टोफिल्स इज बिसाइड हिम। अब देखो क्या सोच रहा है डॉक्टर फोस्टस, डॉक्टर फोस्टस सोच रहा है कि नो गॉड कैन हर्ट हिम, कि उसका भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एज लॉन्ग एज मेफिस्टोफिल्स इज बिसाइड हिम, जब तक कि मेफिस्टोफिल्स उसके साथ है भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकता। एट दैट मोमेंट द डेविल रिटर्न्स विद द न्यूज दैट लूसीफर हैज एग्रीड टू फोस्टस प्रपोजल। अब मेफिस्टोफिल्स जो गया था वो वापिस आ गया, और किस खबर के साथ आया है कि दैट लूसीफर हैज एग्रीड टू फोस्टस प्रपोजल, कि जो लूसीफर है उसने फोस्टस के जो प्रपोजल था फोस्टस का उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ही मे बाय 24 ईयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोफिल्स, और वो 24 ईयर्स की जो सर्विस है डॉक्टर फोस्टस को देगा, मेफिस्टोफिल्स 24 ईयर्स तक डॉक्टर फोस्टस को सर्व करेगा, एंड ए लाइफ ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर फॉर द प्राइस ऑफ हिज सोल, लेकिन बदले में डॉक्टर फोस्टस को अपनी सोल देनी होगी मेफिस्टोफिल लूसीफर को, और लूसीफर क्या देगा, लूसीफर 24 ईयर्स की तो सर्विस देगा मेफिस्टोफिल्स की, और उसे एक लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ देगा उसके सोल के बदले में। देर इज़ वन प्रोविज़न, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे भी, टू डेमोन्स्ट्रेट हिज कमिटमेंट टू द एग्रीमेंट, जो कमिटमेंट है एग्रीमेंट हुआ है उसके प्रति अपनी कमिटमेंट जाहिर करने के लिए, उसको फोस्टस मस्ट राइट एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। फोस्टस को जो कमिटमेंट लिखेगा वो खुद के जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखेगा वो अपने ब्लड से लिखना होगा, अपने ही खून से लिखना होगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना तो हम उसकी कमिटमेंट को नहीं मानेंगे कि ये एग्रीमेंट के आधार पर ये कमिटमेंट है। अगर वो अपनी कमिटमेंट जाहिर करना चाहता है एग्रीमेंट के लिए, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो अपने खून से लिखना होगा। When Faustus asked what value his soul has for Lucifer, अब फोस्टस ने भी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं कि उसके जो सोल है उसकी क्या वैल्यू होगी लूसीफर के लिए। मेफिस्टोफिल्स रिप्लाइज दैट इट विल एड टू लूसीफर्स ग्रोइंग किंगडम, और मेफिस्टोफिल्स क्या जवाब देता है कि इट विल एड टू लूसीफर्स ग्रोइंग किंगडम, कि ये जो लूसीफर की किंगडम है, लूसीफर का जो साम्राज्य है जो ग्रो हो रहा है उसमें एड की जाएगी इसको सोल को। आस्क इफ ही एज ए डेविल हु टॉर्चर्स देम सोल सफर्स पेन, मेफिस्टोफिल्स एडमिट दैट ही सफर्स एज मच एज दोज ह्यूमन सोल्स। अब फिर से पूछता है डॉक्टर फोस्टस के एज ए डेविल के वो एक शैतान के रूप में जो सोल्स हैं उनको टॉर्चर करता है, जो साबित सोल्स हैं उनको टॉर्चर करता है और फिर पेन सफरिंग होती है उनसे। अब मेफिस्टोफिल स्वीकार करता है ही सफर्स एज मच एज दोज ह्यूमन सोल्स,
कि वो सिर्फ इतना ही सफ़र करते हैं, उतना ही पेन सहना पड़ता है जितना कि एक ह्यूमन सोल को सहना पड़ता है। अब फोस्टस बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, देन टू डिस्ट्रैक्ट फोस्टस फ्रॉम एनी मिसगिविंग्स द डेविल रिमाइंड्स हिम ऑफ द ग्रेट रिवार्ड्स टाइड टू ए पैक्ट विद लूसीफर। अब जो वीकनेस है फोस्टस की, वो मेफिस्टोफेल्स को बहुत अच्छे से पता है। अब जो पहले उसने जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने की सोची, तो भी उसने उसके ग्रेट एम्बिशंस की बात करके उसको टाल दिया फोस्टस को। अब फिर फोस्टस फिर से क्वेश्चन पूछने लगा है, तो फिर से फोस्टस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डेविल क्या रिमाइंड कराता उसको, ही रिमाइंड्स हिम ऑफ द ग्रेट रिवार्ड्स टाइड टू ए पैक्ट विद लूसीफर। वो फिर से उसके उन ग्रेट रिवार्ड्स को, उन हाई एम्बिशंस को, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को फिर से याद दिलाता उसको। स्लैसिंग हिज आर्म, फोस्टस प्रोसीड्स टू राइट द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लड। अब फोस्टस ने कॉन्ट्रैक्ट को अपने ब्लड से लिखना शुरू कर दिया है। बट सून द ब्लड कंजियल्स, लेकिन जल्द ही बर्फ, वो जो ब्लड है वो जम जाता है, बर्फ के रूप में जम जाता है। कंजियल्स होता है ठंड में जम जाना, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कंटिन्यू। और अब असंभव हो गया है फोस्टस के लिए लगातार लिखते रहना, क्योंकि ब्लड जो है उसका वो जम गया है। ब्रीफली ही वंडर्स व्हाट दिस पोर्टेंट्स। अब एकदम से फोस्टस को समझ में आता है, अचंभित होता है फोस्टस, कि ये एक बुरा संकेत है। पोर्टेंट्स होता है कोई भी बुरा संकेत या कुछ भी, किसी के बारे में कोई संकेत, पोर्टेंट्स। तो फोस्टस को एकदम अचंभा सा होता है, अचंभित हो जाता है फोस्टस कि ये एक बुरा संकेत है। देन मेफिस्टोफिल्स ब्रिंग्स हॉट कोल्स टू लिक्विफाई द ब्लड अगेन। लेकिन जो मेफिस्टोफिल्स है वो कोयला लेके आता है और उसको ब्लड को गर्म करने लगता है, उसको लिक्वर में बदलने के लिए दोबारा ब्लड को, क्योंकि उसका खून जम गया है फोस्टस का। एंड फोस्टस कैन कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि फोस्टस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके। साइनिंग इट ही अनाउंसेस इन लैटिन। अब जब इसको साइन करता है वो, ही अनाउंस इन लैटिन इट इज़ फिनिश्ड, तो वो अनाउंस करता है लैटिन भाषा में कि इट इज़ फिनिश्ड, कि कंप्लीट हो गया है। इंस्टेंटली द वर्ड्स होम्योफ्यूज, और तभी उसको एक वर्ड सुनाई देता है होम्योफ्यूज, जिसका मतलब है फ्लाइओमैन, अपियर एज्ड ऑन हिज आर्म, दो इट सीम्स ए डायर वार्निंग। अब ये क्या है, फोस्टस को एक डायर, बैड, सीरियस वार्निंग प्रतीत होती है ये। एंड फोस्टस कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वेयर टू गो, लेकिन और फोस्टस कहीं भी जाने की नहीं सोच पाता। अब जैसे ही उसने साइन किए तो फोस्टस को एक आवाज़ सुनाई दी, फ्लाई ओ मैन। और फोस्टस को ये कैसी आवाज़ प्रतीत हुई, एक बैड वार्निंग प्रतीत हुई, एक सीरियस वार्निंग, जैसे कि गॉड ने कोई गलत काम करने से पहले उसको एक सीरियस वार्निंग देके उसको थोड़ा सचेत किया हो। एंड फोस्टस कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वेयर टू गो, और फोस्टस कहीं जाने की नहीं सोच पाता। सर्टनली गॉड वुड नॉट ऑफर हिम ए सेफ हेवन। अब उसको निश्चय हो गया है, निश्चित हो गया है उसको कि उसको अब हेवन तो नहीं मिलेगा उसको, कि गॉड वुड नॉट ऑफर हिम ए हेवन, कि जो भगवान है वो उसको हेवन ऑफर नहीं करेगा। एज ए डाइवर्जन मेफिस्टोफिल्स लेविसिज क्राउन्स एंड फाइन क्लोदिंग ऑन फोस्टस एंड स्वेयर्स बाई हेल एंड लूसीफर दैट द सो डॉक्टर्स सेल हैव एवरीथिंग ही डिजायर्स। अब मेफिस्टोफिल्स क्या करता है, वो एक क्राउन पहना देता है उसको, एक ताज पहना देता है डॉक्टर फोस्टस को, और उसे अच्छे कपड़े पहनाता है। और किसकी कसम खाता है, वो स्वेयर करता है कि बाई हेल एंड लूसीफर, लूसीफर और हेल की कसम खा के कहता है कि द डॉक्टर सेल हैव एवरीथिंग ही डिजायर्स, कि डॉक्टर को वो सब मिलेगा जिसकी उसने इच्छा की है। एज होप्ड फोस्टस कन्फर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेफिस्टोफिल्स अब एक्सेप्ट्स इट ऑन बिहाफ ऑफ लूसीफर। अब फोस्टस ने है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कन्फर्म कर दिया है, और मेफिस्टोफिल्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, किसके बिहाफ पे, लूसीफर के बिहाफ। देन एट फोस्टस फर्स्ट कमांड मेफिस्टोफिल्स डिस्क्राइब द ड्रेडफुल नेचर ऑफ हेल। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही
मेफिस्टोफिल्स जो है वो फोस्टस की सर्विंग करने लगा है। डॉक्टर फोस्टस जो है वो मेफिस्टोफिल्स का मास्टर बन चुका है। तो जैसे ही फर्स्ट कमांड होती है फोस्टस की, वो क्या है, वो मेफिस्टोफिल से हेल का, नरक का वर्णन पूछ रहा है। ही इज आस्किंग अबाउट द ड्रेडफुल नेचर ऑफ हेल, कि हेल का जो ड्रेडफुल नेचर है वो कैसा है। और एंड नेवर द लेस फोस्टस सेज, आई थिंक हेल इज फेबल एंड एसर्ट्स दैट ही हैज नो फियर ऑफ डेमनेशन। अब फोस्टस क्या कहता है कि हेल इज ए फेबल, एक कहानी की तरह हेल, एंड एसर्ट्स दैट ही हैज नो फियर ऑफ डेमनेशन, और फिर कहने लगता है कि उसको कोई डर नहीं है अब शापित होने का, उसको शापित होने का अब कोई डर नहीं है। चेंजिंग द सब्जेक्ट, फोस्टस कमांड्स दैट मेफिस्टोफिल्स फेच हिम ए वाइफ। अब सब्जेक्ट चेंज करके फोस्टस क्या कमांड देता है दूसरी, ही इज आस्किंग अबाउट टू फेच हिम ए वाइफ। वाइफ मेफिस्टोफिल्स को कहता है कि मेरे लिए एक वाइफ लेके आए वो। द डेविल रिटर्न्स विद अनदर डेविल ड्रेड्स एज ए फ्राइटफुल वूमन। तो मेफिस्टोफिल्स चला जाता है और फिर वो द मेफिस्टोफिल्स द डेविल रिटर्न्स विद अनदर डेविल ड्रेस्ड एज ए फ्राइटफुल वूमन। मेफिस्टोफिल्स चला जाता और जल्दी ही वापिस आता है किसके साथ, एक वाइफ के साथ, एक एज ए फ्राइटफुल वूमन, दूसरी डेविल के साथ वापिस आता है जो बिल्कुल सूरत से भयानक लग रही है, क्योंकि डॉक्टर फोस्टस ने मेफिस्टोफिल्स को ऑर्डर दिया है कि उसे एक वाइफ चाहिए। अब डेविल दूसरी डेविल को लेके आता है हु इज़ ड्रेस्ड एज ए फ्राइटफुल वूमन, जिसकी जो सूरत है और जिसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो बहुत भयानक हैं। व्हेन फोस्टस रिजेक्ट्स हर, अब फोस्टस उसको रिजेक्ट कर देता है। तो जब फोस्टस उसको रिजेक्ट करता है, मेफिस्टोफिल्स बेग्स हिम टू गिव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज। मेफिस्टोफिल्स उसे क्या प्रार्थना करता है कि उसे मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इंस्टेड ही कैन हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस, इसके अलावा उसके लिए और भी बहुत सुंदर मिस्ट्रेस होंगी जो काम करेंगी उसके आगे पीछे, हुम एवर ही डिजायर, जिसकी वो इच्छा करेगा। देन टू ग्रेंटिफाई फोस्टस थर्स्ट फॉर लर्निंग। अब Then to gratify Foster's thirst for learning, the devil gives him an all-inclusive book of knowledge to study about spells and incantations, astronomy and astrology, and the natural sciences. अब फोस्टस की जो लर्निंग के प्रति उसकी भूख थी, उसकी thirst थी, जो भूख था, क्योंकि फोस्टस जो है वो नॉलेज का भूखा है। अब उसने सब कुछ स्टडी कर लिया, ही हैड स्टडीड केमिस्ट्री, मेडिसिन, लॉ, तो सब कुछ स्टडी करने के बाद उसने जब ये सोचा है कि ही द मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन, तो मेफिस्टोफिल्स उसकी उस भूख को जज करने की कोशिश कर रहा, उस भूख का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटिफाई होता है टू सेटिस्फाई ए विश और नीड। तो टू ग्रेटिफाई फोस्टस थर्स्ट फॉर लर्निंग, तो फोस्टस की जो लर्निंग के लिए भूख है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि फोस्टस बहुत कुछ सीख चुका है और अब उसने सोच लिया मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन की स्टडी करने का, तो उसकी जो वो लर्निंग के लिए थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए द डेविल्स गिव हिम एन ऑल इंक्लूसिव बुक ऑफ नॉलेज टू स्टडी अबाउट स्पेल्स। डेविल उसको एक बुक देता है जिसके द्वारा वो जादू की स्टडी करेगा, टू स्टडी नॉलेज टू स्टडी अबाउट स्पेल्स एंड इनकांटेशंस और इनकांटेशन स्पेल्स, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, दोनों यही जादू से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिससे वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज प्राप्त करे, एंड द नेचुरल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज की नॉलेज प्राप्त करे। तो वो इसको एक बुक देता है नॉलेज स्पेल्स के बारे में स्टडी करने के लिए, इनकांटेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड द नेचुरल साइंसेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
इसे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्ट टू सीन टू की समरी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लविंग लिटरेचर एंड डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माय चैनल टू अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।